हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जी, आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा, तो जी इट इज़ द मोस्ट अवेटेड मेकअप ट्यूटोरियल और अ रिव्यू वीडियो यू कैन से ऑफ दिस नबीला ज़ीरो मेकअप पैलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मुझे बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए हुए थे गर्ल्स के कि इस पे आप वीडियो बनाएं, और बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे जिस पर मैंने अपनी एक स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस मेकअप पैलेट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, सो यू कैन आस्क मी। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसके जवाब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी हद तक क्लियर कर सकूं आप लोगों का कॉन्सेप्ट, और जितने भी आप लोगों के सवाल हैं उसके ऊपर एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, तो आई हैव दिस मेकअप पैलेट इन द शेड आइवरी, क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है फेयर विटिश और विटिश के इन बिटवीन कहीं फॉल करता है, तो इस वजह से मैंने अपने फेस के लिहाज से ये मेरा आइवरी बिल्कुल मेरी स्किन टोन पर बिल्कुल सूट करता है। ओके, सो बाल हमने अपने कैचर कर लिए हैं और अब हम इसको अप्लाई करते हैं और खोलते हैं। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी यूज इट वंस और ट्वाइस, क्योंकि मुझे रिव्यू वीडियो अपनी बनानी थी, तो इस वजह से मुझे यूज़ करना था पहले आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने के लिए। सो दिस इज़ द पैलेट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ द साइज यू कैन सी। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी अ मिरर ओवर हेयर, और इसके अंदर यहाँ पे भी हमें एक फेस गाइड दिया गया है। तो हम इसको अभी हटा देते हैं। मैंने बहुत एहतियात से इसको यूज़ किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ मैंने इसकी संभाल के रखी ताकि आप लोगों को मैं बताती चलूँ। ओके, सो वी हैव दीज फोर बॉक्सेस इन इट। दिस इज़ द कंसीलर, दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द ब्लश एंड दिस इज़ द लिपस्टिक। और इसके नीचे ही आप ये देखेंगे कि ये इन्होंने फेस कॉम्पैक्ट, फेस पाउडर और मेकअप सेटर यू कैन से वो इन्होंने दिया हुआ है। इसके साथ एक कॉम्पैक्ट पाउडर पफ भी था मेरे, इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, मैं अपना खुद का पफ यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे ख्याल से मैंने इधर उधर कहीं रख दिया। सो दिस इज़ द पाउडर। सो फर्स्ट वील अप्लाई द कंसीलर एंड वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ यू बी थिंकिंग दैट वाई इज़ द कंसीलर डार्कर देन द फाउंडेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है के कंसीलर जो है वो थोड़ा सा लाइटर शेड पर होता है हमारे फाउंडेशन से, विच इज़ करेक्ट आल्सो, बट आई थिंक वी कैन बेटर कॉल इट अ कलर करेक्टर अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि कलर करेक्टर इस वजह से क्योंकि कलर करेक्टर का हमारे काम ये होता है कि जैसे हमारे फेस पे जो स्कार्स होते हैं, एज़ यू कैन सी अभी मेरे फेस पे स्कार्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, जैसे लाइक दिस ओवर हेयर, दिस दिस, ये आपको पता नहीं कि मेरे फेस पे क्या हुआ, खैर ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी स्कार्स, अभी एक्नी स्कार्स आपको नज़र आ रहे होंगे, स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली जो कलर करेक्टर होता है वो हमारे उस स्पॉट को जो है हमारे स्किन टोन के साथ मैच करने के लिए होता है। लाइक अगर हम लोग अपने स्किन से लाइटर टोन पे, अगर मैं इस स्पॉट के ऊपर फॉर इंस्टेंस अगर मैं बहुत ब्राइट कोई शेड लगाऊंगी, मतलब फर्स्ट टाइम ही, तो ये उसको उसको कम नहीं करेगा बल्कि वो एक अजीब सा धब्बे टाइप का हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट कलर करेक्टर से उसको अपने स्किन के साथ मर्ज करना होता है। एंड सिंस दिस जीरो मेकअप पैलेट मेक्स योर मेकअप लुक वेरी नेचुरल, तो इस वजह से इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं दी गई जो कि हमारे फेस पे मेकअप को थोड़ा आर्टिफिशियल शो करे। क्योंकि जो कंसीलर होता है वो जब हम लोग फुल मेकअप कवरेज अपने फेस को दे रहे होते हैं, तो हम उसके बाद अपने स्किन पे लाइक अंडर आई एरिया, अपर जॉन लाइन एरिया लाइक हेयर और हमारे फोरहेड पे हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं टू इन्हांस द यू नो टू इन्हांस द शेड, द कलर, द कॉम्प्लेक्शन।
द एरियाज, इस वजह से हम लोग उसको लगाते हैं। बट ये जीरो मेकअप इसका इसीलिए नाम है बिकॉज इट मेक्स योर मेकअप लुक मोर नेचुरल। सो इस वजह से ही इन लोगों ने ये कलर करेक्टर दिया है, और ट्रस्ट मी, मैंने क्योंकि ये यूज़ भी किया है तो इट लुक्स रियली वेरी नेचुरल। तो अभी मैं आप लोगों के सामने अप्लाई भी करूंगी और फिर आप लोग देखिएगा कि मेरे ये अंडर आई पे, वैसे मेरे डार्क सर्कल्स इतने विजिबल नहीं है बट स्टिल जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो भी बेटर हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट डू दिस। सबसे पहले हम लोग लेंगे कंसीलर को। ओके, सो सिंस इट्स वेरी स्मॉल एंड इट्स वेरी लाइट, सो आई बेटर यूज माई फिंगर्स टू अप्लाई द कंसीलर एंड डू ऑल द मेकअप रादर यूजिंग ब्रशेस। अच्छा, इसका कंसीलर थोड़ा सा हार्ड है एंड आई थिंक विच इज़ गुड, क्योंकि हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं अगर उसके ऊपर हम लोग ऐसी चीज़ लगाएंगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाएंगे जो कि इजीली हमारे जो उसके ऊपर अप्लाई करने वाली कोई भी बेस है, कोई भी फाउंडेशन है, उसके साथ इजीली यू नो फौरन से अपना मार्क छोड़ देगा, इतना सॉफ्ट होगा, तो मेरे ख्याल से वो उसको कवरेज नहीं दे पाएगा सही से। तो आई थिंक दिस इज़ गुड कि ये हार्ड है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो था मेरे वैसे नहीं थे इतने डार्क सर्कल्स, बट जितना भी था वो कवर हो गया। सो नाउ लेट्स डू इट ऑन दीज स्पॉट्स, बिकॉज पहले जब मैंने यूज़ किया तब मेरे ये स्पॉट्स नहीं थे, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी डार्क स्पॉट पर इसको लगा रही हूँ एंड सी। इट गॉट वैनिश्ड somewhat, yeah. Okay, now here, see the magic of color corrector. I think ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर जो है इन्होंने ये color corrector दिया है और direct कुछ ऐसा, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ना superficial सा लगता। तो हमने अपने darker areas पर इसको apply कर लिया है और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी थोड़ी थोड़ी quantity में ले रही हूँ और ये मेरे face को cover कर रहा है पूरा। ओके, सो द कंसीलर इज डन, अब हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर फाउंडेशन। फाउंडेशन काफी क्रीमी सा है इसका, विच गिव्स अ वेरी ड्यूई लुक, जो कि फाउंडेशन में आई लव द ड्यूई लुक रादर देन द मैट लुक, क्योंकि उससे जरा आपका थोड़ा सा ग्लोइंग फेस लगता है, तो इस वजह से आई लव दिस soft and it's very soft and it's very light. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और ये भी वैसे मैं अपनी फिंगर्स से ही लगाती हूँ। I have the brush also, but I think it's since it's very light and it's very you know easy to apply, so I think इससे मैं आपको इसको मैं अपनी फिंगर्स से ही लगा लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, फिंगर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो इन अप्लाइंग मेकअप। आई यूजुअली यूज माय फिंगर्स एंड दिस इज इट गाइस, एज यू कैन सी आई हैव अप्लाइड द फाउंडेशन। लेट्स डू द ब्लश, माय फेवरेट पार्ट, एंड आई लव द कलर ऑफ द ब्लश, ट्रस्ट मी इट्स सुपर नेचुरल, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव द शेड, ट्रस्ट मी। And see the quantity I'm using. With this makeup, I rather prefer the sun-kissed look, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा एक blush है जो कि बहुत natural सा look देता है, so इससे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक sun-kissed सा look देते हैं, it really looks very natural. You can see, I have applied the blush. Okay, moving on, the next fourth and the fourth best part of this palette is the lipstick. So let's just apply it again with the fingers. You can apply it with the brush also. I apply the lipstick with the brush वैसे, but अभी I'm applying it with my fingers and see the color, guys. My God, it's looking so very beautiful. आप देख सकते हैं कि मेरे जो natural lip color है उससे ये थोड़ा सा ही, मतलब इसने उसको enhance कर दिया है और light कर दिया है, bright कर दिया है, और
बहुत एक जबरदस्त सा लुक जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका शेड है। एक चीज जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो स्पेशली जब हम कोई फाउंडेशन लगाते हैं तो आंखें खाली बहुत जो है वो थोड़ा अजीब लगता है, तो आप अपना दूसरा पैलेट भी यूज कर सकते हैं। बट इफ यू हैव ओनली दिस ऑप्शन एंड इफ यू आर आउटसाइड समवेयर और आप कहीं आपको फॉरन से मेकअप अप्लाई करना है तो यू कैन यूज दिस ब्लश और द लिप कलर अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, जो कि दोनों ही कलर्स ऐसे हैं जो कि आपके हर ड्रेस कलर के साथ जा सकते हैं। यू कैन अप्लाई इट ऑन योर आईलिड, वैसे आई अप्लाई दिस को आंखों पे भी अप्लाई अपने कर लेती हूँ। और सी आई एम डन विद दीज फोर थिंग्स और ये मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये जो है मेरे फेस से मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। मैंने इसको जो है क्योंकि मैं फेस कॉम्पैक्ट वैसे भी काफ़ी कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे वो पाउडरी लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा इस तरीके का ग्लोई और ड्यूई लुक बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसका कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मुझे दिखने में ये काफ़ी हमेशा से ब्राइट लगा। सो आई यूज़ इट वेरी रेयर। कॉम्पैक्ट पाउडर वैसे भी मेरा अपना भी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ जब फेस पे स्वेटिंग हो रही हो, तो आई ओनली यूज़ इट फॉर द सेटिंग थिंग। सो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, बट इसको अप्लाई करेंगे हम सिर्फ अपने फोरहेड पे, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इसका शेड क्या है, बिकॉज मैं फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी इसको क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा खराब हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, इसको देखने की हद तक। आई डोंट नो लगाने के बाद क्या होगा। सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। नॉट बैड। अच्छा, मैंने एक ही पफ उसका लिया है, थोड़ा सा उसको अप्लाई किया मैंने। Now let's just blend it. Okay, it's not that bad, nor good, I would say. It's okay. मतलब what I am thinking कि इसने मेरे थोड़े natural look को थोड़ा सा artificial कर दिया है। The same thing I was saying about the concealer कि थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा bright हो गया है तो उसकी वजह से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो अगर किसी को ज़्यादा ब्राइट पसंद है, ये ज़्यादा क्या हो गया, काम ख़राब हो गया भैया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि तो थोड़ा सा इसने ब्राइट कर दिया है मेरे मेकअप को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं पसंद अपने फेस के हिसाब से, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइट लुक नहीं मुझको पसंद। तो अगर जिनको पसंद है ये हाइलाइटेड एरियाज, ये एरियाज हाइलाइटेड जिनको पसंद है, आई थिंक उनके लिए अच्छा है ये, लेकिन फॉर मी आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू टू यूज इट टू अप्लाई इट। अच्छा, वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा, आफ्टर अप्लाइंग इट आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड इट। आई थिंक इसने मेरे फेस को थोड़ा सा ना, जैसे वो एक ग्लो आ रहा था ना, तो इसने उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब वो एक जो ऑयल आ रहा था मेरे फेस पे, थोड़ा सा आई कॉल इट ग्लो, बट जिनको ऑयली स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है और जिनको अपनी ऑयली स्किन बुरी लगती है और जिनको मेकअप के बाद ऐसा लगता है कि उनके फेस पे ऑयल आ जाता है, उन लोगों के लिए आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक अभी मैं अपनी जरा आंखों का कुछ करके आप लोगों के साथ वापस आती हूँ। सो दिस इज द लुक, दिस इज द फाइनल लुक। कंप्लीट लुक गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अभी सिर्फ अपनी आईब्रोज थोड़ी सी सेट की हैं और मैंने बिल्कुल लाइट सा मस्कारा लगाया है, बहुत बिल्कुल लाइट सा, ताकि वो एक सॉफ्ट लुक मेरे फेस पे बरकरार रहे। ओके, सो लेट्स आंसर योर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसकी कॉस्ट क्या है,
तो इसकी कॉस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, इट वर्थ 5,999 रुपीज़, जो कि मैंने ख़रीदा था 5,099 में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,000. तो 6,000 इसकी कॉस्ट है. द नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किया, और वो ये था कि हम कौन सा शेड लें, हमारे फेस पे कौन सा शेड सही रहेगा और कौन सा शेड हमें लेना चाहिए, आपको क्या लगता है. तो आई थिंक फॉर दोज गर्ल्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गर्ल्स कि आप जो है इट्स बेटर, बल्कि इट्स बेस्ट टू गो टू द आउटलेट और सलोन टू गेट द परफेक्ट शेड. क्योंकि मैं खुद पर्सनली सलोन से लेके आई थी अपने लिए ये वाला शेड. आई हैड टू ऑप्शंस, जिसमें से आई चोज द आइवरी वन, आई फॉरगॉट द अदर वन. द स्टाफ इज रियली वेरी कोऑपरेटिव, दे विल गाइड यू द परफेक्ट शेड फॉर यू. और मैंने खुद भी जाके पहले खुद ट्राई किया, उसमें से आई चोज दिस वन. बिकॉज सीरियसली लेडीज, अगर आप एक चीज ले रहे हैं विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 6,000, विच इज एन अमाउंट, अगर आप एक साथ एक अमाउंट दे रहे हैं और उसके बदले में आप एक ख़राब शेड की, जो आपके शेड मैच ही ना करे आपके फेस के साथ, तो आई थिंक इट वुड बी यूजलेस फॉर यू. तो थोड़ा सा ही ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप सलोन पे जाके खुद जाके, रादर देन आस्किंग एनीवन, क्योंकि हर किसी का स्किन टोन डिफरेंट होता है, तो आप खुद जाके अपने फेस के लिए जो आपको सूट लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, और जो आपको लग रहा है कि आपके फेस पे अच्छा लग रहा है, आप वो खुद जाके लें. मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था, ये क्वेश्चन था कि क्या ये हमारे फेस पे ऑयल कंट्रोल करता है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे. तो उसका मैं आप लोगों को ये आंसर दूंगी कि ये जो ज़ीरो मेकअप पैलेट है, ये एशियन कलर टेक्सचर्स और एशियन कलर शेड्स को देखते हुए उसके हिसाब से बना है, और इसके शेड्स हैं इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं. बट ये कहीं पे मैंने लिखा हुआ कि इट्स ऑयल फ्री, या ये ऑयल कंट्रोल करेगा आपके फेस पे, बिकॉज ये एक नेचुरल लुक आपके फेस को देता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेस पे लग जाएगा तो आपको स्वेटिंग नहीं होगी. इट्स नॉट स्वेट फ्री, इट्स नॉट ऑयल फ्री, ऐसा नहीं है. अगर वेदर ऐसा होगा, क्योंकि हमारे कराची का स्पेशली वेदर ऐसा है कि इसमें ह्यूमिडिटी वेदर के अंदर ही मौजूद है, तो वो जो हमारे फेस पे एक नेचुरल जो है वो ऑयल आता है, वो कम नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा. बिल्कुल ये ऐसा है कि हम उसको अगर मैनेज करके रखें विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर और विद द पाउडर, अगर हम इसको सेट करते रहें, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है रात तक. बट ऑयल फ्री कहीं पे भी नहीं है कि अगर आप गर्मी में बैठे हुए हैं, गर्मी की शिद्दत में बैठे हुए हैं, तो आपको पसीना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ये आपके फेस पे सेट बहुत अच्छा हो जाता है. जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से ये सेट हो गया है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा या कुछ ऐसे. मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये डार्क स्पॉट्स को कवर करता है या नहीं करता, या किस हद तक कवर करता है, और कैसे नेचुरल लुक देता है. तो ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें, जैसे कि ये एक छोटा सा स्पॉट था मेरे यहाँ पे भी, आप देख रहे हैं एक स्पॉट था यहाँ पे भी था, तो वो आप देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल मर्ज हो गया है, और बहुत अगर नज़र भी आ रहा होगा तो बहुत लाइट सा नज़र आ रहा होगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, और बहुत छुप गया है, काफ़ी हद तक छुप गया है. तो ये मैं रेकमेंड करूँगी ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिन लोगों के फेस पे स्पॉट्स अगर हैं भी तो बहुत माइल्ड से हैं, बहुत कम हैं, या ज़्यादातर क्लियर स्किन है, लेकिन वो उसके ऊपर चाहते हैं कि इवन टोन करने के लिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं. बट पीपल विद डीप स्कार्स, विद लॉट ऑफ एक्नी, उनके लिए अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो ये लगाएंगे और फिर उसके बाद एक मिरेकल हो जाएगा और सारे स्पॉट्स छुप जाएंगे, तो जब हम लोग फुल मेकअप भी करते हैं, हैवी कवरेज मेकअप भी करते हैं, उसमें भी हमें 3 से 4 कोट्स लगाने पड़ते हैं. उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनके फेस पे एक्नी होती है, अपनी एक्नी को छुपाने के लिए पहले करेक्टर करना पड़ता है, फिर फाउंडेशन, फिर फेस कॉम्पैक्ट, सारी चीज़ें, बहुत सारी लेयर्स काफ़ी लगानी पड़ती है. तो एक इतने छोटे से माइल्ड से मेकअप से आप उसको कवर नहीं कर सकते. तो बाबा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है आपके फेस पे एक्नी को दूर कर देगा, ये खत्म कर देगा, या मिरेकल कर देगा. इट्स ज़ीरो मेकअप पैलेट, मतलब
वो लोग जो कि मेकअप कम करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, नेचुरल लुक रखना चाहते हैं, ये सिर्फ उस पे फोकस्ड है कि आपका नेचुरल लुक लगे। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये ऑयल फ्री है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये एक्नी फ्री है। तो इस चीज को अपने माइंड से थोड़ा सा हटा के अगर आप नेचुरल लुक चाहते हैं तो ये सिर्फ उसके लिए है, नेचुरल मेकअप लुक है। एक्नी फ्री, ऑयल फ्री, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। मेडिकेटेड ऑब्वियसली ये नहीं है, या कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट या कोई क्रीम नहीं है जो आपके फेस पे मिरेकल कर देगा। सो दिस इज द थिंग। सो द लास्ट एंड द मोस्ट कंसर्न क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज इट ओवर प्राइज्ड। तो इसका मैं आपको आंसर अपने लिहाज से अगर दूंगी तो इट्स नॉट, बिकॉज अगर आप जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं लाइक फाउंडेशन, कंसीलर से लेके ब्लश से लेके लिपस्टिक से लेके फेस पाउडर तक, जो कि मुझे इससे पहले लग रहा था कि अच्छा नहीं है, बट आई थिंक इट्स गुड, इट्स नाइस। अभी तक मेरे फेस पे ये और मज़ीद जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि टाइम होता जा रहा है तो ये मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है, नेचुरली ही लग रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि जितनी चीज़ें लाइक 5 products in 1 palette, आई थिंक इट्स यू नो इट्स वर्थ इट। क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं अलग अलग लेने जाऊँ, अगर मैं कंसीलर और फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग लेने जाऊँ तो मेरे ख्याल से मेरा बजट इससे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। तो इफ़ यू आर हैविंग ऑल दिस थिंग्स इन दिस स्मॉल किट एंड विच इज़ पोर्टेबल, विच इज़ इजी टू यूज, और आप फॉरन अपना मेकअप, क्योंकि मेरे साथ अ पर्सन लाइक मी, लाइक आई एम वेरी 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 क्लम्जी पर्सन, लाइक मैं बहुत ज़्यादा जो है वो रेकलेसली चीज़ों को यूज़ करती हूँ, इधर चीज़ उधर चीज़। तो इफ़ आई एम गोइंग एनी वेयर, आई थिंक मेरी जैसी बंदी के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें कैरी करने में थोड़ी सी केयरलेस हूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए जो है वो परफेक्ट प्रोडक्ट है, और पीपल लाइक मी कैन ईजीली हैव इट। और मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ये चीज़ लें, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती, मेकअप भी प्रेफर नहीं करती, मतलब मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि मुझे ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना पड़ रहा, और यू नो बस छक 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 करके बस 2 मिनट में आपका मेकअप रेडी और यू आर रेडी टू गो। ठीक है, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ती, तो आई थिंक इस लिहाज से। और अगर मैं इसके टेक्सचर के लिहाज से बात करूँ, इसके रिजल्ट्स के लिहाज से बात करूँ, तो आई थिंक इट्स रियली वेरी रिजनेबल, और मेरे लिए तो आई थिंक इट्स गुड। और मैंने ये भी काफ़ी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी हम कैसे, मतलब ये तो 1 महीना भी नहीं चलेगा, और ये, और आप लोगों ने खुद देखा अभी कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी यूज़ की और जिसने मेरे पूरे फेस को कवर कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट कि कितना कवर कर रहा है ये आपके फेस को। टॉकिंग अबाउट द नेक, क्योंकि मैंने इससे नेक की नहीं, तो अगर नेक का जहाँ तक सवाल है तो नेक के लिए यू हैव अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। आप कोई मूव यूज़ कर सकते हैं, आप कोई फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन का, जो कि मैं ये एसेंस का यूज़ करती हूँ, मूव यूज़ करती हूँ अपनी नेक के लिए। तो नेक और फेस में गाइज वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंस होता है, हमारे फेस का कॉम्प्लेक्शन या तो फिर हमारे नेक से लाइट होता है कुछ लोगों का, कुछ डार्क होता है। तो इसके लिए अगर आपको करना है तो वो कोई ऐसे नेक पे हमारे ऐसा होता भी नहीं कि हम बार बार उसको जो है वो सेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो आई थिंक कि नेक के लिए आप अपने लिए कोई अलग चीज रख लें, बट इसके ऊपर इसको ये जज मत करें कि जी ये ओवर प्राइस है और उसमें इतनी थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं और ये है और वो है। क्वांटिटी अगर मैं अगर मैं थोड़ा और मजीद कह लूँ तो शायद क्वांटिटी कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवर प्राइस है और अपनी प्राइस के वर्थ इट नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी तरफ से मैं इसको आई थिंक 10/10 दूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उल्टा पकड़ लिया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नबीलास का जीरो मेकअप पैलेट, एंड आई विल डेफिनेटली 100% रिकमेंड यू गाइज। बट वंस अगेन आई वुड डेफिनेटली से दैट आप खुद जाके अपने फेस के मुताबिक अपना शेड चूज करें, क्योंकि अगर ये आपके फेस के शेड के ऑपोजिट आ गया या ऊपर नीचे कुछ हो गया तो फिर आपके पैसे बिल्कुल खड्डे में जाएंगे। तो बिल्कुल ऑनेस्ट आप लोगों को ये एडवाइस है मेरी कि आप लोग खुद जाके अपने फेस का शेड जो है वो
सिलेक्ट करके फिर उसके बाद लीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या अगर आपको लगे कि कुछ और मज़ीद आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन पूछने हुए तो मैं इस पर दोबारा से वीडियो बना दूँगी। और अभी बिल्कुल लाइट जा रही है तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, सूर्य नाश पढ़ा करें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।